हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी अपडेट्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम की टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और साउथ के सुपरस्टार विजय थलापति की आने वाली फिल्म बीस्ट के बारे में। साथ ही बाहुबली आज के आने वाली फिल्म राधे श्याम के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि फिल्मी जगत से जुड़ी अपडेट्स आपको मिलता रहे। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे विजय थलापति की आने वाली फिल्म बीस्ट की एक अपडेट के बारे में। ये फिल्म एक एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाला है। इसे डायरेक्ट कर रहे हैं दिलीप नेल्सन और फिल्म के लीडिंग स्टार कास्ट में साउथ इंडियन के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार विजय थालापति और उनके साथ नजर आने वाली है पूजा हेगड़े। फिल्म का शूटिंग काफी जोरों शोरों से चल रही है। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल में ही बीस्ट की टीम फिल्म का थर्ड शेड्यूल कंप्लीट कर लिया है। अब बीस्ट का जो फोर्थ शेड्यूल है वो शुरू होने वाला है चेन्नई में और इस फिल्म का जो लास्ट शूटिंग है वो पूरी दिल्ली में शूट होने वाली है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, ये फिल्म जनवरी 2022 में रिलीज होगी। गुड न्यूज ये है कि इस फिल्म को हिंदी डब में भी रिलीज किया जाएगा। बात करते हैं प्रभास की आने वाली फिल्म राधेश्याम के बारे में। इस फिल्म में हमें प्रभास के साथ रोमांस करते नजर आने वाली है पूजा हेगड़े। ये फिल्म रोमांटिक ड्रामा फिल्म होने वाला है। इस फिल्म को भी रिलीज किया जाएगा जनवरी 2022 में। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इस फिल्म में हमें प्रभास के साथ एक बार फिर नजर आने वाले हैं सत्यराज। सत्यराज सर वही है जिन्होंने फिल्म बाहुबली की सबसे फेमस कैरेक्टर कटप्पा का रोल प्ले किया था। दोस्तों, बाहुबली के बाद एक बार फिर से प्रभास और सत्यराज सर एक साथ नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में सत्यराज एक पुजारी का रोल प्ले करने वाले हैं। बात करते हैं सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम की अब तक की टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। फिल्म को रिलीज हुए वन वीक कंप्लीट हो चुका है। वन वीक में टोटल वर्ल्ड वाइज कलेक्शन लगभग 38 करोड़ रुपया हो चुका है। तो कोरोना जैसे हालत में भी इस फिल्म ने बहुत अच्छी कमाई कर लिया है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।